तरह बने हुए हैं, हम लोग के सबके शरीर में ये हुआ है। तो सबसे नीचे में है मूलाधार चक्र, जो टच होता है हमारे जमीन से वो मूलाधार चक्र है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसमें गणेश जी का स्थान है, और क्या बोलते हैं उसके ऊपर है आदि शक्ति कुंडलिनी माँ, जो जलेबी आकार की दिख रही है ना आपको, दिखाई दे रही है वो कुंडलिनी माँ, यही आज जागृत होंगी और सब चक्रों को भेजते हुए यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले हम जब प्रार्थना करते हैं श्री माता जी से, क्योंकि श्री माता जी के सामने ही हम जब करते हैं प्रार्थना तो ये जागृत होती है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिसमें गणेश जी का स्थान है, और ये मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से बना है। तो हमारा एक एलिमेंट क्या बोलेंगे, एलिमेंट है ना, एक तत्व जागृत होता है ना, हम लोग का पंच तत्व में एक तत्व जागृत होता है, उसके बाद ये एक्टिव होती है कुंडलिनी माँ, और ये स्वाधिष्ठान चक्र में आती है, जिसमें ब्रह्मदेव सरस्वती जी का स्थान है। ये इसके खराब होने से क्या होता है, हम लोग को शुगर का प्रॉब्लम होता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, जो बहुत विचार करता है, बहुत सोचता है, तो ये ज़्यादा वर्कआउट करता है, ये तो ये चक्र खराब होता है। और इसके साफ होने से हम लोग को सृजनात्मक, रचनात्मक, कलात्मक शक्तियों का विकास होता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई कवि बनता है, ये सब होता है। उसके ऊपर है मणिपुर चक्र, जिसको बोलते हैं नाभि चक्र। नाभि चक्र में श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। हम लोग के घर की आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सभी परिस्थितियों को यही चक्र संभालता है। ये खराब होता है तो हम लोग के घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, हम लोग के घर में गृह कलेश होता है, तो ये सब चक्र खराब होने से, इसके अच्छे होने से, इसका साफ होने से क्या होता है, हम लोग का मान सम्मान बढ़ता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है, सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, और इससे रिलेटेड पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है ना वो होती है। जैसे ये भाव सागर है, चारों तरफ ग्रीन दिख रहा है, हरा दिख रहा है। देखिए बैकुंठपुर में बोलते हैं लक्ष्मी नारायण जी भाव सागर के बीचों बीच रहते हैं, तो भाव सागर के बीचों बीच है, और ये हम लोग का भाव सागर है, जहाँ 10 गुरु होते हैं। हम लोग गुरु मानते हैं किसी को भी, लेकिन अगर वो उनके गुरु ऐसे गुरु जो तंत्र मंत्र करते हैं, तो उनके पास अगर हम जाते हैं तो हम लोग का ये भाव सागर खराब होता है। भाव सागर खराब होता है तो गैस की प्रॉब्लम होती है, और पेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर गलत गुरु के पास जाते हैं तो। अगर हम सही गुरु के पास गए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे साईं बाबा हैं, वो अवतरण हैं, तो उनको अगर हम मानते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा है। ऐसे 10 गुरु हैं, राजा जनक से लेके साईं नाथ तक। उसके ऊपर है अनहद चक्र। अनहद चक्र में हम लोग की माँ जगदम्बा दुर्गा माता का स्थान है। जो ज़्यादा डरता है, आत्मविश्वास की कमी होती है ये चक्र के खराब होने से, या एक्टिव नहीं होने से, जागृत नहीं रहता है, तो ये जरूरी नहीं है कि खराब ही हो। हम लोग का ये चक्र खुलता है तो क्या होता है, हम लोग के अंदर आत्मविश्वास और निर्भयता आ जाता है अपने आप। उसके ऊपर होता है विशुद्धि चक्र, गर्दन हम लोग के गले में राधा कृष्ण का स्थान है। राधा कृष्ण ऐसे देवता हैं जो सामूहिकता में रहना पसंद करते हैं। हम लोग जैसे अभी सामूहिकता में हैं, तो जिसका ये चक्र खराब रहता है वो अकेला रहना पसंद करता है, भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करता है, और कलेक्टिविटी में तो बिल्कुल नहीं रहता है। और ये खराब होता है तो हम लोग को नाक कान गले की परेशानी चालू हो जाती है। तो हम लोग सहज योग करते हैं तो धीरे धीरे चक्र अपने आप साफ होते जाते हैं। उसके ऊपर है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जीसस क्राइस्ट, जीसस मैरी बोल सकते हैं, उनका स्थान है, और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का स्थान है। क्षमा और त्याग के देवता हैं। हम लोग किसी को क्षमा नहीं, क्योंकि हम लोग ये माया रूपी जीवन है, तो किसी न किसी से अनबन हो ही जाती है नहीं चाहने पे भी, तो हम लोग के दिमाग में वो आदमी हमेशा रहता है। तो अगर हम इसको क्षमा कर देते हैं तो परमात्मा लेकिन क्षमा नहीं करते हैं, परमात्मा उसको सजा देते हैं, इसलिए हमको उसके बारे में नहीं सोचना है, क्षमा कर देना है। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक हम भूलते जाते हैं वो चीज़ को, अपने आप होते जाता है, हम करते नहीं, अपने आप होता रहता है। उसके ऊपर सदाशिव का स्थान, परमात्मा का स्थान। हम अभी जो करेंगे तो ये वाला चक्र खुलेगा और हम सीधा परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, हमारा योग होता है। तो ये हम लोग 5 मिनट का जब ध्यान करेंगे तो ये यहाँ से लेके सारे चक्र खुलते जाएंगे, तो आपको ठंडा गर्म महसूस
महसूस होगा यहाँ। और दो नाड़ी, तीन नाड़ी है, उसके बारे में बताती हूँ। हम लोग के ये बायां नाड़ी दिख रहा है जो भूतकाल की नाड़ी है, जो हमारे अंदर हमारे जीवन में बीत चुका है। हम उसके बारे में ज़्यादा विचार करते हैं तो हम लोग की ये नाड़ी ज़्यादा काम करती है तो ये खराब होती है। तो ज़्यादा जो ये नाड़ी जिसकी खराब होती है वो उदास रहता है, एकदम शिथिल रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, आलस्य आता है, अकेलापन अच्छा लगता है, ये सब होता है ये नाड़ी खराब होने से। और ये देखिए इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, यहाँ चंद्रमा देवता है। ये ज़्यादा ठंडा होता है तो ठीक नहीं है, इसीलिए हम जब अभी ध्यान करेंगे तो बैलेंस में आते हैं। उसके बाद है ये पीला कलर का नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी है, ये ज़्यादा गर्म होता है। जब हम ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, अभी प्लानिंग करते हैं, तब ये नाड़ी खराब होता है। ज़्यादा प्लानिंग करते हैं तो हमारी पेनक्रियास खराब होती है, हम लोग का ये स्वाधिष्ठान चक्र, देखिए ये वाला स्वाधिष्ठान चक्र से, ये स्वाधिष्ठान चक्र से खराब ही होता है। और ये इधर जाके हम लोग के कहते हैं ईगो में जाता है, माने आपके यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाता है, यहाँ पर ना ये बदल जाता है, ये वाली नाड़ी इधर से ऐसे क्रॉस करके इधर जाती है, ये वाली मूलाधार से निकलती है और यहाँ जाके यहाँ बदल जाती है, क्रॉस हो जाता है यहाँ पर हम लोग के आज्ञा चक्र में। इसीलिए हम लोग का विशुद्धि और आज्ञा चक्र को एकदम ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ बहुत सक्रिय नली है। तो थोड़ा सा कोई ज़्यादा विचार करता है तो महसूस भी नहीं होता, लेकिन हो ही जाता है, कहीं ना कहीं शरीर में झनझनाहट होगी, गर्म आएगा या कुछ भी, ठंडापन कुछ भी, तो ये महसूस होता है कि हमारा चक्र जागृत हो गया। बस इतना ही है, तो उसी को हम लोग अभी महसूस करेंगे कि ये जब चक्र जागृत होगी तो हम लोग यहाँ ऊपर आएगी तो यहाँ ठंडा गर्म होगा, दोनों हथेली में ठंडा गर्म होगा। इसी को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, 5 मिनट का ध्यान करेंगे। तो आँख बंद करके करेंगे और मैं बता रही हूँ पोजिशन कैसे करना है। जब मैं बोलूँगी